वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राहुल। आप देख रहे हैं टेक ब्रदर्स और आज हम लेकर के आए हैं फिर से एलई टीवी के ईयरफोन्स। इनका हमने अनबॉक्सिंग जो है इनकी पिछली वीडियो में किया था। आज हम जो है इनकी क्वालिटी, कंफर्टनेस और जो है साउंड क्वालिटी के बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इन्होंने यहाँ पर हमें बटन्स प्रोवाइड किए हैं वॉल्यूम प्लस, वॉल्यूम माइनस के लिए, और ये जो एक सेंटर में बटन प्रोवाइड किया गया है, ये प्रोवाइड किया गया है हमारा ट्रैक चेंज के लिए और कॉल रिसीवर रिजेक्ट करने के लिए। इसके बैक साइड में हमारे यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है माइक। ये रिवर्स ईयर टाइप ईयरफोन्स हैं। यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा रबर जो है हमें प्रोवाइड किया गया है यहाँ तक कंप्लीट। तो जब हम इन्हें कान में लगाते हैं तो ये कुछ रिवर्स आते हैं। अब हम इन्हें आपको लगा के दिखाएंगे इनका कम्फर्ट लेवल कैसा रहता है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं इनके कम्फर्ट लेवल की। हमने इन्हें अपने जो लेफ्ट ईयर के अंदर है, लेफ्ट ईयर जिसपे मैंशन था, जो लेफ्ट वाला है वो प्लेस कर लिया है। तो अगर हाँ, कुछ इस तरह से रिवर्स ईयर टाइप ये प्लेस होता है। और कंफर्ट लेवल की अगर हम बात करें तो काफ़ी कंफर्टेबल है ये वियर करने में, कोई ऐसी इशू नहीं है। और जो ईयरबड्स इसके साथ मिले हैं वो आप अपने साइज़ के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। हमने मीडियम साइज़ लिया है। नॉर्मल जो हमारे ईयरफोन्स रहते हैं उनमें नॉर्मली दिक्कत रहती है कि जैसे हम कभी किसी वजह से मोबाइल को पुल आउट करते हैं तो ये साथ में ऐसे निकल जाते हैं, जो मतलब काफ़ी अनकंफर्टेबल सा फील होता है। लेकिन ये जो रिवर्स ईयर टाइप है इनके साथ ऐसा कोई इशू नहीं है। ये देखिए, अगर हम इन्हें पुल भी करते हैं तो ये निकलने के बजाय टाइट हो जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है इनकी रिवर्स ईयर टाइप की, जो इस इशू को बहुत अच्छी तरह से सॉल्व करते हैं। और कम्फर्ट लेवल में कोई इशू नहीं है इनमें, बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल है ये। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं हम इनकी साउंड क्वालिटी के बारे में। मैंने लगभग 2 या 3 दिन हो गए इन्हें यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसी कोई इशू आई नहीं है। लाउडनेस काफ़ी अच्छी है, बेस बहुत अच्छा है, डिसेंट है। और मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लाउडनेस पे आप अनकंफर्टेबल फील करने लगेंगे फुल वॉइस करने के बाद, ये इशू इसमें नहीं है। काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं जिनके जो हेडफोन साथ में आते हैं हमारे फ़ोन्स के, उनमें अगर हम फुल वॉइस करते हैं तो काफ़ी अनकंफर्टेबल फील होने लग जाता है, लेकिन इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अगर हम इसको कंपेयर करते हैं, एक सोनी के हेडफोन्स आते हैं 999 वाले, उनसे मतलब काफ़ी हम मैच करते हैं ये तो साउंड क्वालिटी के मामले में। तो इस प्राइस टैग में, जो इनका प्राइस टैग है लगभग 699 या 799 के आसपास आपको मिल जाएंगे लीमा.com से, तो ये साउंड क्वालिटी के मामले में अपने प्राइस टैग में बहुत अच्छी डिसेंट लेवल की परफॉर्मेंस देते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये ईयरफोन्स अपने लिए ख़रीदना चाहते हैं रेगुलर यूज़ के लिए, तो इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। बाकी हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।